काट के और पीट पीट के उसको मारा गया है, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं इस काम की। और जो भी इस सिलसिले में दोषी हैं उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं। कड़े से कड़ा प्रावधान पूरी बरादरी की तरफ से उनके तरफ उनके लिए चलाया जाना चाहिए। गांव से उनके पंचायत और धीमा पंचायत गांव में उनके गांव से उनका पानी बंद कर दिया गया। मैं चाहता हूं भाई सारे रोड बिरादरी में सारी बिरादरी इकट्ठी होकर उनको पूरी बिरादरी से उनको उनका पानी बंद करे, जिसने इतना जघन्य अपराध किया है। एक बच्चे को, छोटे से मासूम बच्चे को, 4 साल के बच्चे की इस तरह से हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर भी हमारे को शक है। 6 दिन हो गए मुलजिम को उठाए हुए, 24 घंटे मुलजिम को कोर्ट में पेश कर देते हैं, अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया और ना ही उसका रिमांड लिया गया है। अब तक उनका पुलिस ने एक बार भी रिमांड नहीं मांगा कोर्ट में, ना ही उनके नामों को लेख मारा के उजागर किया गया। हर बार यही एसपी साहब से आश्वासन मिलता है गंगाराम पुनिया से, वही कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। कल शाम तक के भी उनके यही बयान थे, इसके बाद कब खुलासा करेंगे? आज घटना में नया मोड़ वो डाल देते हैं, बोलते हैं भाई अंजलि देवी कोई उसके अलग से चाची है, भाई उसने इस घटना क्रम को अंजाम दिया वो दोषी है ना भाई, हकीकत आया सामने। अब चाची पे किसी पे भी शक नहीं था। सर मानता हूं मैं आपकी बात पर, इतना टाइम नहीं लगता, 6 दिन हो गया। 6 दिन में मतलब हम भी तो किसी कार्रवाई पे, आपको पता है कि हम बिरादरी में डिसीजन ले रहे हैं, बिरादरी से उनको निष्कासित कर रहे, उनका पानी बंद कर रहे, फांसी की मांग कर रहे। जिस परिवार में हत्या हुई है उन्हीं की परिवार की महिलाओं को, एक एक महिला को तो उठा के रिमांड नहीं लिया जाता। मान गया सर आपकी सारी बात मान गया मैं। बंती देवी ने जब अपना जुल्म कबूल कर लिया था, राजेश ने खुद ड्रामा सेंटर के अपना जुल्म कबूल किया, जब अमन ने उसके चाचा ने उसको पूछा भाई कर दिया वही काम, वो बोले हाँ भाई बंती देवी ने किया है काम। जब राजेश ने अपना जुल्म कबूल कर लिया, ये सारी बातें पलट रहे हैं दोबारा, भाई ये मुलजिम नहीं था, मुलजिम कोई और था। अगर मुलजिम कोई और था 6 दिन से कहाँ थे ये, तब क्यों गिरफ्तार किया अंजलि देवी को? और जो भी मतलब उसके घर पे पैरे लगाए हुए आपने देखा भी होगा, जाकर आपने सारा मामला कवर किया कुमालपुर रोडान में जाके, उसी के घर पे जाके पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, उसी के घर पे पुलिस बेटी मिलती है राजेश के। 6 दिन से कार्रवाई वही कर रहे, 50 पैसे 5 रुपए वहीं से मिले, सबूतों से छेड़छाड़ ना करे पुलिस तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, चलो ठीक है सबूतों से छेड़छाड़ ना करे। 5 रुपए जब उनके घर से मिले, बंती देवी के घर से मिले, परना वो जिससे उसकी गिट्टी गुट्टी गई बच्चे की जो चुन्नी थी वो भी उसके घर से मिली, और मतलब उसके सारे सबूत उसके घर से, चपलियां बच्चे की उसके घर से मिली हैं बंती देवी के। अब ये कह रहे हैं अंजलि थी उसमें, तो सबूतों से छेड़छाड़ तो फिर अंजलि के, अंजलि जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला हो गया तो क्या अंजलि के घर? नहीं आप कह रहे भाई सबूतों के साथ छेड़, अंजलि के अगर अंजलि दोषी है तो उसके घर तो फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई होगी। अब तक 6 दिन हो गए, आज अंजलि का नाम सामने आया है, तो उस दिन का अगर 6 दिन हो अंजलि के घर से सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे। अगर कार्रवाई इसके घर पे कर रहे हैं, राजेश के घर पे कर रहे हैं, तो अंजलि के घर पे पहले दिन क्यों नहीं कार्रवाई की इन्होंने? 6 दिन मतलब इसको मामले को डील दे रहे हैं, और मामले में जितना मतलब बढ़ चढ़ के पहले दिन से ही इन्होंने कोर्ट में पेश कराना था, पुलिस रिमांड लेना था उनको। और पंचायत में जब हमने फैसले लिए हैं तो इनके मुंह से ही बयान आए थे बंती देवी के, भाई मैंने बच्चे को सारा कुछ किया, मैंने मारा है, आपने भी कवर किया, आप ये बयान से मुकर रहे हैं, वो भी मुकर रहे हैं, पुलिस वाले मुकर रहे हैं। तो इस पर हम पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे शक उठाते हैं, और जल्द से जल्द अगर इसमें नई घटनाक्रम में असली मुलजिमों को हमारे सामने जो भी घटनाक्रम है नई हमारे सामने पेश किया गया, हम हाईवे जाम करेंगे, जीट रोड जाम करेंगे। हम कल तक का प्रशासन को टाइम देते हैं, इस केस में जल्द से जल्द असली दोषियों को समाज के सामने पेश किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। प्रशासन काम नहीं कर रहा, पुलिस काम नहीं कर रही, बिल्कुल काम नहीं कर रहे जी। 6 दिन हो गए, 6 दिन में भी आज ये बाजी पलट रहे हैं। आज कह रहे हैं अंजलि है, पहले कह रहे थे राजेश है, उसकी वाइफ है बंती देवी। आज पुलिस द्वारा बोला जा रहा है किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए, इसलिए देरी हो रही है, जांच चल रही है। फिर हमारे सामने पूरे मामले क्यों, एसपी साहब हमारे से बात क्यों नहीं करते, सारे तथ्य हमारे सामने क्यों नहीं रखते? बार बार यही कहते हैं खुलासा कर देंगे, जांच पड़ताल चल रही है। हमारे क्रिटिकल मामला इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कैसे खुलासा करते हैं अभी? परिवार को जानकारी दी जाए। चलो एक मिनट मेरे को बताओ, हम गाँव का नाम आ गया, हम गाँव में पंचायत कर रहे, हम बिरादरी से उनको बेदखल कर रहे, उनका पानी बंद कर रहे, उनके रिश्तेदारों को गांव में पढ़ने तक का बंद कर रहे। अगर हम इतने बड़े बड़े डिसीजन, नाम आ गया और वाइफ काट के और पीट पीट के उसको मारा गया है, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं इस काम की। और जो भी इस सिलसिले में दोषी हैं उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं। कड़े से कड़ा प्रावधान पूरी बरादरी की तरफ से उनके तरफ उनके लिए चलाया जाना चाहिए। गांव से उनके पंचायत और धीमा पंचायत गांव में उनके गांव से उनका पानी बंद कर दिया गया। मैं चाहता हूं भाई सारे रोड बिरादरी में सारी बिरादरी इकट्ठी होकर उनको पूरी बिरादरी से उनको उनका पानी बंद करे, जिसने इतना जघन्य अपराध किया है। एक बच्चे को, छोटे से मासूम बच्चे को, 4 साल के बच्चे की इस तरह से हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर भी हमारे को शक है। 6 दिन हो गए मुलजिम को उठाए हुए, 24 घंटे मुलजिम को कोर्ट में पेश कर देते हैं, अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया और ना ही उसका रिमांड लिया गया है। अब तक उनका पुलिस ने एक बार भी रिमांड नहीं मांगा कोर्ट में, ना ही उनके नामों को लेख मारा के उजागर किया गया। हर बार यही एसपी साहब से आश्वासन मिलता है गंगाराम पुनिया से, वही कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। कल शाम तक के भी उनके यही बयान थे, इसके बाद कब खुलासा करेंगे? आज घटना में नया मोड़ वो डाल देते हैं, बोलते हैं भाई अंजलि देवी कोई उसके अलग से चाची है, भाई उसने इस घटना क्रम को अंजाम दिया है, वो दोषी है ना भाई, हकीकत आया सामने। अब चाची पे किसी पे भी शक नहीं था। सर मानता हूं मैं आपकी बात पर, इतना टाइम नहीं लगता, 6 दिन हो गया। 6 दिन में मतलब हम भी तो किसी कार्रवाई पे, आपको पता है कि हम बिरादरी में डिसीजन ले रहे हैं, बिरादरी से उनको निष्कासित कर रहे, उनका पानी बंद कर रहे, फांसी की मांग कर रहे। जिस परिवार में हत्या हुई है उन्हीं की परिवार की महिलाओं को, एक एक महिला को तो उठा के रिमांड नहीं लिया जाता।
मान गया सर आपकी सारी बात मान गया मैं। पंक्ति देवी ने जब अपना जुल्म कबूल कर लिया था, राजेश ने खुद ड्रामा सेंटर के अपना जुल्म कबूल किया, जब अमन ने उसके चाचा ने उसको पूछा भाई कर दिया वही काम, वो बोले हाँ भाई पंक्ति देवी ने किया है काम। जब राजेश ने अपना जुल्म कबूल कर लिया, आज ये सारी बातें पलट रहे हैं दोबारा, भाई ये मुलजिम नहीं था, मुलजिम कोई और था। अगर मुलजिम कोई और था, छह दिन से कहाँ थे, तब क्यों गिरफ्तार किया अंजलि देवी को? और जो भी मतलब उसके घर पे पैरे लगाए हुए आपने देखा भी होगा जाकर, आपने सारा मामला कवर किया कुमालपुर रोडान में जाके, उसी के घर पे जाके पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, उसी के घर पे पुलिस बेटी मिलती है राजेश के, छह दिन से कार्रवाई वही कर रहे, 50 पैसे 5 रुपए वहीं से मिले, सबूतों से छेड़छाड़ ना करे पुलिस तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, चलो ठीक है सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, 5 रुपए जब उनके घर से मिले, बंती देवी के घर से मिले, परना वो जिससे उसकी गिट्टी गुट्टी गई बच्चे की जो चुन्नी थी वो भी उसके घर से मिली, और मतलब उसके सारे सबूत उसके घर से, चपलियां बच्चे की उसके घर से मिली हैं बंती देवी की, अब ये कह रहे हैं अंजलि थी उसमें, तो सबूतों से छेड़छाड़ तो फिर अंजलि के अंजलि जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला हो गया तो क्या अंजलि के घर नहीं, आप कह रहे हैं भाई सबूतों के साथ छेड़, अंजलि के अगर अंजलि दोषी है तो उसके घर तो फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई होगी, अब तक 6 दिन हो गए, आज अंजलि का नाम सामने आया है, तो उस दिन का अगर 6 दिन हो अंजलि के घर से सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे, अगर कार्रवाई इसके घर पे कर रहे हैं राजेश के घर पे कर रहे हैं, तो अंजलि के घर पे पहले दिन क्यों नहीं कार्रवाई की इन्होंने, 6 दिन मतलब इसको मामले को डील दे रहे हैं, और मामले में जितना मतलब बढ़ चढ़ के पहले दिन से ही इन्होंने कोर्ट में पेश कराना था, पुलिस रिमांड लेना था उनको, और पंचायत में जब हमने फैसले लिए हैं तो इनके मुंह से ही बयान आए थे बंती देवी के, भाई मैंने बच्चे को सारा कुछ किया, मैंने मारा है, आपने भी कवर किया, आप ये बयान से मुकर रहे हैं, वो भी मुकर रहे हैं और पुलिस वाले मुकर रहे हैं, तो इस पे हम पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे शक उठाते हैं, और जल्द से जल्द अगर इसमें नई घटनाक्रम में असली मुलजिमों को हमारे सामने जो भी घटनाक्रम है नई हमारे सामने पेश किया गया, हम हाईवे जाम करेंगे, जीट रोड जाम करेंगे, हम कल तक का प्रशासन को टाइम देते हैं, इस केस में जल्द से जल्द असली दोषियों को समाज के सामने पेश किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। प्रशासन काम नहीं कर रहा, पुलिस काम नहीं कर रही, बिल्कुल काम नहीं कर रहे जी, 6 दिन हो गए, 6 दिन में भी आज ये बाजी पलट रहे, आज कह रहे हैं अंजलि, पहले कह रहे थे राजेश है उसकी वाइफ है बंती देवी, आज बेदखल कर रहे, पानी बंद कर रहे, उनके रिश्तेदारों को गांव में बढ़ने तक का बंद कर रहे, अगर हम इतने बड़े बड़े डिसीजन नाम आ गया और वैफ सारा कौन है, तो हम तो इसके लिए पहुंचे थे भी जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए, और जो एक्चुअल में जो इसके मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो ये इसमें तांत्रिक विद्या जो आजकल ये चीज़ें उठ के आ रही है इनके खिलाफ भी हम समाज से अपील करते हैं अपने कि भाई इन चीज़ों से दूर रहे, आज एक बच्चे की हत्या या कल पता नहीं किसी और की होगी, तो हम तो एसपी साहब से भी गुहार लगाने के लिए आए हैं कि एसपी साहब जल्द से जल्द इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि आरोपी कौन है, उनको सब सबके सामने लेके आए। अब तक आप क्या निकल गया है, बातचीत हुई है? देखिए हमारी बात हुई है, एसपी साहब साथ दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि समाज में ये रोष है कि डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि भाई एक्चुअल मुलजिम है कौन, तो हम सब इसमें ये कहना आए हैं आज सरकार से समाज से ये सब ये गुहार करने आए हैं कि भाई इस बच्चे के इंसाफ दिलाइए, चाहे किसी रूप में हो तो इसको इंसाफ जब भी मिलेगा जब उसके हथियारों को सजा मिलेगा। अल्टीमेटम तो यही है, अब एस पी साहब से बात करेंगे, नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर सारा समाज इकट्ठा पंचायत करके कार्रवाई करेगा जो भी हम मिलकर।